हे गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। फाइनली रियलमी ने आज सुबह रियलमी 5 प्रो के लिए जो अर्ली एक्सेस निकाले थे रियलमी UI 2.0 के, मैंने फॉर्म फिलअप किया था और मुझे जो F.01 का लेटेस्ट रियलमी UI 2.0 का अर्ली एक्सेस का अपडेट है वो देखने को मिल गया है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से फीचर्स ऐड हुए हैं, क्या क्या बग्स आपको देखने को मिलेंगे और बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है, BGMI का भी टेस्ट करेंगे और साथ में अंतु स्कोर आपको कितना देखने को मिलेगा इस अपडेट को करने के बाद, क्योंकि ये अपडेट आपको Android 11 बेस देखने को मिलेगा। साथ में Realme UI 2.0 आपको Realme 5 Pro के लिए ऑफिशियली Realme ने अवेलेबल करवा दिया है। सो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, इसी अपडेट का पूरा फुल रिव्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और फ्यूचर में इस टाइप की वीडियोस और चाहिए तो नीचे आपको लाल कलर का बटन मिलेगा, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के साथ बेल आइकन को भी आप लोग ऑल पे प्रेस कर लेना। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। सो चलिए Without wasting any more time, let's get started. अब दोस्तों बात करें फीचर्स की, तो लगभग मुझे इस अपडेट को यूज करते हुए एक दिन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि पिछले कल मैंने इस अपडेट को इंस्टॉल किया था और तब से लेकर अभी तक मैं इसको यूज ही कर रहा हूं। फाइनली मुझे इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स देखने को मिले और बग्स जो है मुझे बहुत ही कम देखने को मिले। तो बात करें सबसे पहले फीचर्स की, तो वो आपको देखने को मिलेगा सेटिंग के अंदर पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन। इसके अंदर आपको थीम, वॉलपेपर, आइकन स्टाइल, ऐप लेआउट, कलर्स और फॉन्ट्स को चेंज करने के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और इसके साथ आप लोग अपने जो नोटिफिकेशन टॉगल्स की शेप्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हो। अगर आप लोग कलर्स चेंज करना चाहें तो कलर्स भी आप लोग चेंज कर सकते हो, फॉन्ट्स अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हो और साथ में आपको थर्ड पार्टी आइकन का सपोर्ट है वो भी यहां पर देखने को मिल जाता है। अब इसके साथ आप लोगों का डाउट था कि आपको जो गूगल की सर्च बार है होम स्क्रीन के बॉटम में देखने को मिलेगी, आप लोग उसको अनेबल कर सकते हो कि नहीं कर सकते। फाइनली होम एंड लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप लोग इसको अनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो। अब इसके साथ अगला फीचर जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा डार्क मोड का। अगर आप लोग चाहें तो डार्क मोड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तीन टाइप का डार्क मोड आपको देखने को मिलता है, एनहांस्ड, मीडियम और जेंटल। जो भी आपको पसंद हो अपने हिसाब से आप लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करें अगले फीचर्स की, तो वो आपको देखने को मिलेगा प्राइवेसी के सेक्शन में। आपको यहां पर किड स्पेस, प्राइवेट सेफ, हाइड एप्स और ऐप लॉक का सपोर्ट तो देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको यहां पर सिस्टम क्लोनर का जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलता। सो आप लोग वेट कीजिए, शायद रियलमी उसको नेक्स्ट अपडेट में ऐड कर दे। अब बात करें अगले फीचर्स की, तो वो आपको देखने को मिलेंगे कन्वीनियंस टूल के अंदर। यहां पर नेविगेशन के सेक्शन में आपको गैसेट ट्यूटोरियल का फीचर्स रियलमी ने ऐड कर दिया है। अब इसके साथ मेन फीचर्स जो ऐड हुआ है वो रहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको जो 60 FPS है उसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अभी तक Realme X50 Pro में भी आपको 60 FPS का सपोर्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस डिवाइस में आपको 60 FPS का सपोर्ट आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि नया और इंटरेस्टिंग फीचर्स है। अब दोस्तों बात की जाए अंतु बेंचमार्क स्कोर की, तो यहां पर मैंने इसको टेस्ट किया और जो स्कोर देखने को मिला, रिजल्ट देखने को मिला, वो देखने को मिला 259 का। लिटरली बना ही बहुत ज्यादा है, डिसेंट सा आपको जो स्कोर है वो देखने को मिलेगा और कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो आप लोग आगे BGMI का टेस्ट देखना, कैसी आपको जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करें कैमरा को लेकर के, क्योंकि Realme UI 2.0 का अपडेट आने के बाद काफी ज्यादा नए फीचर जो है वो आपको इस एप्लीकेशन में ऐड हुए हैं। नया एप्लीकेशन का UI आपको देखने को मिलता है और जो पिक्चर्स क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी डिसेंट सी देखने को मिलती है। वीडियो मोड में आपको जो वीडियो का रेट है वो आपको देखने को मिलता है 4K का, यानी कि आप लोग यहां पर 4K के साथ 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो और 1080p के साथ आपको 60 FPS रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात की जाए परफॉर्मेंस को लेकर के, तो हम लोग यहां पर बैटरी और मोबाइल इंडिया का टेस्ट करेंगे। अगर आप लोग यहां पर वर्जन देखें तो वर्जन 1.4 आपको देखने को मिलता है। लिटरली एक पूरा मैच प्ले करेंगे और आप लोग देखना कैसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। और बैटरी की बात करें तो इस टाइम के ऊपर आपको जो बैटरी देखने को मिलती है वो 84% आपको बैटरी है और एक मैच प्ले करेंगे उसके बाद देखते हैं भाई कितना बैटरी परसेंटेज जो है डाउनग्रेड आपको देखने को मिलता है। सो आप लोग इस पूरे गेम प्ले को एंजॉय करो। बात करें ग्राफिक्स की, तो सेटिंग के अंदर अगर आप लोग चलें तो इसके जो हाई ग्राफिक्स आपको देखने को मिलते हैं HD हाई देखने को मिलेंगे, HDR का जो ऑप्शन है वो आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता। सो हम लोग HD हाई के ऊपर एक पूरा मैच प्ले करेंगे। सो आप लोग इस पूरे मैच को एंजॉय करना और देखना कैसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी और साथ में आप लोगों को कितना बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिलता है।
दोस्तों आप लोगों ने देखा कुछ इस टाइप की जो आपकी परफॉर्मेंस है BGMI में गेमिंग में आपको देखने को मिलती है। और बात करें बैटरी की तो यहाँ पर लगभग मैंने 2 या 3 मिनट पूरा मैच को प्ले किया हुआ क्योंकि मैं मर गया था। और अगर आप लोग देखें तो ये 2 या 3 मिनट में आपको यहाँ पर 3 या 4% का जो बैटरी ड्रेनिंग है वो देखने को मिल गया होगा। लिटरली अगर आप लोग पूरा मैच प्ले करोगे 25 मिनट का तो आप लोग ये रखिए कि आपको यहाँ पर 25 से 30% का जो बैटरी ड्रेनिंग है वो इस अपडेट में देखने को मिलेगा। लिटरली इस अपडेट में आपको बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिलेगी क्योंकि ये बीटा अपडेट्स है, पहला अपडेट है ट्रायल वर्जन का। तो जब नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें जो बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम है वो भी रियलमी सॉल्व कर देगा। और काफ़ी अच्छी बात आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको रियलमी डायलर और रियलमी मैसेज एप्लीकेशन का ही जो सपोर्ट है वो देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई जो भी नए नए फीचर्स ऐड हुए थे, क्या क्या बग्स आपको देखने को मिलते हैं, परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है, इस अपडेट में बैटरी ड्रेनिंग कितना है, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब दोस्तों मेन बात आती है सिस्टम एप्लीकेशंस के अपडेट की। लिटरली इस अपडेट को करने के बाद रियलमी ने सभी सिस्टम एप्लीकेशंस को अपडेट कर दिया। अगर आप लोग देखें तो यहां पर फोन मैनेजर को भी रियलमी ने अपडेट कर दिया है, वर्जन आपको देखने को मिलेगा 8.6.9। अगर आपको रियलमी एंड ओप्पो डिवाइस की जितनी भी सिस्टम एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं इनके अपडेट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रियलमी सिस्टम ऐप अपडेटर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिलेगा। इस ग्रुप को आप लोगों ने जाकर के ज्वाइन कर लेना है। यहां पर आपको सभी रियलमी एंड ओप्पो डिवाइस की सिस्टम एप्लीकेशन देखने को मिलती है और ये जो भी APK आपको देखने को मिलेंगी ऑफिशियल रॉम फाइल से एक्सट्रैक्ट करके निकाली जाती हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको सिस्टम एप्लीकेशंस की अपडेट सबसे पहले चाहिए तो आप लोग जाकर के इस रियलमी सिस्टम ऐप अपडेटर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सो फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में, मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।